दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर अपने दोस्त लोगों के कॉल रिकॉर्ड को अपने मोबाइल पर सुनना चाहते हैं तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस बंदे का कॉल रिकॉर्ड अपने मोबाइल पर सुनेंगे, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड कोई व्यक्ति सुन रहा है। दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है और आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आएगा। तो अगर आप लोग भी किसी भी व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड को अपने मोबाइल पर सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को बने रहना होगा इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। उसके बगल में एक बेल का आइकन मिलता है, तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आप लोगों को मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर देना है ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम लोगों को जिस किसी भी व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड को अपने मोबाइल पर सुनना है उसके मोबाइल में एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ऐप का नाम है कॉल रिकॉर्डर। ये ऐप आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से इस ऐप को उस बंदे के मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ से हम लोगों को स्किप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ग्रांट टू रिकॉर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से कुछ अलाउ परमिशन मांगा जाएगा, तो हम लोगों को अलाउ परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों, सबसे ऊपर कॉर्नर पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, हम लोग इस एप्लीकेशन के सेटिंग में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे नीचे आएंगे तो हम लोगों को गो टू एक्सेबिलिटी सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हम लोगों के सामने कई सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट में हम लोगों को एक्सेबिलिटी शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके हम लोगों को यहाँ से अलाउ परमिशन दे देना है। उसके बाद हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोगों को कॉल रिकॉर्ड को ऑन कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है और फिर से हम लोगों को बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों को सीधा बैक आ जाना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक ऑडियो फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर MP3 पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों में यहाँ पर ऑटोमेटिक पर टिक नहीं लगा हो तो यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हम लोगों को क्लाउड अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, वाईफाई ओनली जो है इसको ऑफ कर देना है और ऑटो सेव टू क्लाउड है तो इसको ऑन ही रखना है। इसके बाद हम लोगों को लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे ग्रांट टू बैकअप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहां से अलाउ परमिशन दे देना है। जैसे ही हम लोग अलाउ परमिशन देंगे तो यहां पर हम लोग को कई सारे गूगल अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। हम लोग को अपना अकाउंट यहां पर इस एप्लीकेशन में ऐड करना है। सबसे नीचे यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके हम लोगों को यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट इंटर कर देना है। जिस जीमेल अकाउंट से आप गूगल ड्राइव बनाए होंगे उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर आप लोगों को इंटर कर देना है ताकि उसके मोबाइल पर जब भी किसी व्यक्ति का कॉल आए तो वो कॉल रिकॉर्डिंग होकर वो कॉल रिकॉर्ड सीधा आपके जीमेल पर भेज दें। तो यहाँ पर आप लोग अपना जीमेल अकाउंट डाल दीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन से बाहर चले आना है। अब दोस्तों जब भी उस व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल आएंगे तो वो कॉल रिकॉर्ड होकर वो आपके जीमेल पर भेजेंगे, तो आप अपने गूगल ड्राइव में जाकर उस रिकॉर्डिंग को बहुत ही आराम से देख सकते हैं। गूगल ड्राइव ओपन करेंगे और यहाँ पर आपका अपना जीमेल अकाउंट होगा, जो जीमेल अकाउंट आप उसके मोबाइल में इंटर किए हैं उसी जीमेल को यहाँ पर अपने मोबाइल में ओपन कीजिएगा और यहाँ पर एक फाइल बनकर आएगा कॉल रिकॉर्डिंग का, और उस कॉल रिकॉर्डिंग में उस व्यक्ति के सारे रिकॉर्डिंग आते रहेंगे। तो बस दोस्तों हम लोग को इतना ही काम करना है और इसके बाद उस व्यक्ति के मोबाइल पर किसी व्यक्ति का कॉल आएगा तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति के मोबाइल के कॉल को उसके मोबाइल पर ना जाकर अपने मोबाइल पर मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक कोड बता देता हूँ। दोस्तों उसके मोबाइल के डायल पैड में सिंपली हम लोगों को एक कोड डायल करना है। कोड है *21*, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद हज डायल कर देना है। इतना नंबर अगर आप उसके मोबाइल में डायल कर देते हैं तो उसके मोबाइल पर जितने भी कॉल आएंगे वो उसके मोबाइल पर ना आकर आपके मोबाइल पर आएंगे। दोस्तों अगर आप इस कॉल रिकॉर्ड वाले सेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कोड है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, *00*02 और इसके बाद हज डायल कर देना है। जैसे ही डायल करेंगे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग इरेज वाज सक्सेसफुली। तो जो फॉरवर्डिंग का सेटिंग था वो हम इस नंबर से ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।